हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम आपको हाल ही में रिलीज हुई फिल्म माइकल का एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो तेलुगु लैंग्वेज की एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर मूवी है। मूवी की शुरुआत होती है सन 1980 में, जहां माइकल नाम के एक 13 साल के बच्चे को दिखाया जाता है, जो किसी दूसरे शहर से मुंबई में गुजारा करने आया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकल एक ढाबे पर बैठकर खाना खा रहा था, तभी उस ढाबे पर काम करने वाली लेडी अपनी सेठ से अपनी पगार मांगने लगती है, पर वो सेठ उसे पगार देने से मना करता है, क्योंकि वो लेडी काफी दिनों से काम पर नहीं आ रही थी। लेकिन वो लेडी उसे समझाती है कि वो अपने बीमार बेटे की वजह से काम पर नहीं आ सकी, और उससे रिक्वेस्ट करती है क्योंकि उसे अपने बेटे के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। पर वो सेठ फिर भी उसे मना करता है और उसे धक्का देकर वहाँ से निकाल देता है। ये सब देख माइकल उस सेठ पर वार करता है और उसके गले से पैसे निकाल कर उस लेडी को दे देता है। अब अगले सीन में हमें गुरुनाथ नाम के अंडरवर्ल्ड डॉन को दिखाया जाता है, जो उस समय में मुंबई शहर पर राज करता था। उसके मर्जी के बिना अंडरवर्ल्ड दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता। अंडरवर्ल्ड दुनिया के सारे डॉन भी गुरुनाथ से डरते थे और उसकी इज्जत करते थे, लेकिन किसी से नहीं डरने वाला गुरुनाथ अपनी वाइफ चारुलता का कठपुतली था और उसकी बात कभी नहीं टालता था। चारुलता का खौफ इतना था कि जब एक बार गुरुनाथ का एक बार सिंगर के साथ अफेयर चल रहा था, तब चारुलता ने उस बार सिंगर को जिंदा जला दिया। साथ ही चारुलता ने चालाकी से गुरुनाथ से कहकर उसके भाई को उससे दूर भेज दिया, ताकि गुरुनाथ के बाद उसकी पोजीशन उसके भाई को नहीं बल्कि उसके बेटे को मिले। गुरुनाथ और चारुलता का लाडला था उनका बेटा अमरनाथ, जिसकी खुशी के लिए दोनों कुछ भी करने के लिए तैयार थे। अब एक दिन एक आदमी गुरुनाथ को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था, पर तभी माइकल उसे देख लेता है और गुरुनाथ को बचा लेता है, जिसके बदले में गुरुनाथ माइकल को अपने खास आदमी स्वामी के साथ रहने का इंतजाम कर देता है। फिर कहानी फास्ट फॉरवर्ड होकर 10 साल बाद दिखाई जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि गुरुनाथ का बेटा अमरनाथ भी उसके साथ काम करने लगा था। अमरनाथ को लगता था कि अब उसे अपने बाप के बिजनेस को संभालने का वक्त आ गया था, लेकिन गुरुनाथ उसे कोई भी बड़े काम की जिम्मेदारी नहीं देता, क्योंकि उसकी नजरों में अमरनाथ अभी तक इस काम के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। अब कुछ दिनों बाद एक दूसरे गैंग के लोग गुरुनाथ पर अटैक करते हैं और उसे बहुत बुरी तरह घायल कर देते हैं। तभी माइकल वहां आकर उन लोगों से फाइट करता है और फिर से एक बार गुरुनाथ को बचा लेता है। इस बहादुरी से खुश होकर गुरुनाथ माइकल को अपने कुछ बार्स संभालने की जिम्मेदारी दे देता है, और ऑब्वियसली ये बात अमरनाथ और चारुलता को खटक जाती है और दोनों माइकल की तरक्की से जलने लगते हैं। कुछ दिन बाद गुरुनाथ को उन सभी लोगों का पता चल जाता है जिन्होंने उस पर अटैक किया था। गुरुनाथ के लोग उन सभी को एक एक करके मार देते हैं, पर पता चलता है कि उन्हें वो काम रतन नाम के एक आदमी ने दिया था, जो गुरुनाथ का राइवल था। अब रतन को मारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अमरनाथ लेना चाहता था, लेकिन गुरुनाथ ये काम माइकल को सौंप देता है। गुरुनाथ को पता था कि रतन अपनी बेटी से मिलने दिल्ली आने वाला था, इसलिए वो माइकल को रतन के साथ उसकी बेटी को भी मारने का ऑर्डर देता है। माइकल दिल्ली पहुंचकर रतन की बेटी थीरा को काफी दिनों तक फॉलो करने लगता है, ताकि रतन के आते ही वो दोनों को खत्म कर दे। पर इसी बीच थीरा माइकल को उसे फॉलो करते नोटिस करती है और उससे फ्रेंडशिप कर लेती है। कुछ दिनों बाद थीरा माइकल को लाइक करने लगती है और माइकल भी उसे पसंद करने लगता है। अब एक दिन माइकल रतन को थीरा के घर में नोटिस करता है और उसे मारने लगता है, पर तभी रतन उसे बताता है कि गुरुनाथ पर अटैक उसने नहीं बल्कि किसी और ने किया था और उसे सिर्फ इस चाल में फंसाया गया था। माइकल उसके बात पर यकीन कर लेता है और उसे छोड़ देता है, पर वहां गुरुनाथ को खबर मिल जाती है कि माइकल ने रतन और थीरा को मारने के प्लान से बैकआउट कर लिया था। अब कुछ दिनों बाद कुछ लोग आकर माइकल और थीरा को पकड़ लेते हैं और अपने साथ लेके जाते हैं, जहां माइकल को पता चलता है कि रतन भी उनके कब्जे में था और उन लोगों को आर के नाम के एक डॉन ने भेजा था, ताकि वो माइकल से अपने पिछले झगड़े का बदला ले सके। बट तभी रिवील होता है कि ये सारी प्लानिंग आर के की नहीं बल्कि गुरुनाथ के बेटे अमरनाथ की थी। दरअसल अमरनाथ को गुरुनाथ की गद्दी पर बैठकर उस शहर पर राज करना था, लेकिन उसे पता था कि गुरुनाथ के जिंदा रहते ये मुमकिन नहीं था, इसलिए उसने रतन के साथ मिलकर अपने बाप को मारने का प्लान बनाया।
बट जब रतन ने उसके प्लान से बैकआउट कर लिया, तब अमरनाथ ने उसे फंसाने के लिए गुरुनाथ तक ये खबर पहुंचा दी कि उस पर रतन ने अटैक करवाया था, जिसके बाद अमरनाथ रतन और माइकल को शूट करके मार देता है और उनकी बॉडी को नदी में फेंक देता है। अमरनाथ अपने बाप के पास जाकर कह देता है कि उनके साथ गद्दारी करने के लिए उसने माइकल को मार दिया, पर गुरुनाथ को पता था कि माइकल इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था, इसलिए वो अपने लोगों से उसकी डेड बॉडी लेके आने को कहता है। लेकिन माइकल गोली लगने के बावजूद भी किसी तरह बच जाता है और थीरा को बचाने के लिए आरके के अड्डे पर चला जाता है, जहां अमरनाथ भी मौजूद था, जिसके बाद वो एक एक करके आरके और उसके सभी लोगों के साथ साथ अमरनाथ को भी मार देता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर थीरा माइकल के कहने पर उसकी बताई हुई जगह पर लेके जाने लगती है, जहां रास्ते में ही उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और तभी वहां सत्या नाम का एक आदमी आ जाता है, जो उन दोनों को अपने घर में शेल्टर देता है। यहां अमरनाथ की डेड बॉडी देख गुरुनाथ अपने लोगों से कहता है कि जो भी कोई माइकल को खत्म करेगा उसे वो अपनी पोजीशन दे देगा। अब कुछ दिन सत्या और उसकी वाइफ कनम्मा माइकल की देखभाल करते हैं और उसे ठीक कर देते हैं, पर तब तक गुरुनाथ के लोग माइकल का पता लगा लेते हैं और उसे मारने के लिए सत्या के घर पहुंच जाते हैं। बट उन लोगों से लड़ने के लिए माइकल को अपने जगह से हिलना भी नहीं पड़ता, क्योंकि सत्या और उसकी वाइफ ही दोनों से फाइट करके उन्हें वहां से भगा देते हैं। अब थीरा सत्या और कनम्मा से कहती है कि उसे माइकल से दूर जाना होगा, क्योंकि वो माइकल की लड़ाई में उसकी कमजोरी नहीं बनना चाहती। लेकिन तभी सत्या उसे अपनी कहानी बताता है कि वो एक जमाने में पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, जहां एक दिन उसके जेल में एक बच्चे का जन्म हुआ। सत्या को उस बच्चे से इतना लगाव हो गया कि वो हमेशा उसे अपने पास रखकर उसकी देखभाल करना चाहता था, पर एक दिन वो बच्चा उसकी जेल से भाग गया, क्योंकि उसे जेल की दीवारें कैद लगने लगी थी। इसलिए सत्या थीरा से कहता है कि अगर वो माइकल को छोड़कर चली भी गई, तो उसे नहीं लगता कि माइकल उसे कभी भुला पाएगा। जिसके बाद थीरा नोटिस करती है कि माइकल अपनी जगह पर नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी गुरुनाथ को मारने के लिए उसके घर की ओर निकल चुका था। इसलिए थीरा भी अब माइकल के पीछे जाने का डिसाइड करती है, बट सत्या उसे रोक लेता है और एक कहानी सुनाता है। सत्या बताता है कि गुरुनाथ का जेनिफर नाम की एक बार सिंगर के साथ अफेयर चला था, जिसमें जेनिफर प्रेग्नेंट हो गई थी। लेकिन जेनिफर को उस वक्त ये नहीं पता था कि गुरुनाथ पहले से ही शादीशुदा था और अपनी वाइफ को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए वो जेनिफर को फोर्स करने लगता है कि वो अपना अबॉर्शन करवा ले। और फाइनली जब ये बात चारुलता को पता चलती है, तो वो जेनिफर के घर को आग लगा देती है। लेकिन जेनिफर किसी तरह बच जाती है और अपने पिताजी के दोस्त सत्या की हेल्प लेती है। सत्या उसे अपने जेल में खाना बनाने का काम देता है और वहीं पर रहने का भी इंतजाम करता है। फिर कुछ महीने बाद जेनिफर एक बच्चे को जन्म देती है, जो 13 साल तक उसी जेल में बड़ा होता है। और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि माइकल था, जिसे अपने माँ के साथ हुए अन्याय का पता चलने पर वो जेल से भाग जाता है और मुंबई जाकर गुरुनाथ को मारने का डिसाइड करता है। और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब माइकल बड़ा होकर स्वामी को अपनी सच्चाई बताता है, तो वो भी माइकल का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। इसलिए जब माइकल और थीरा किसी दूसरे शहर में जाने के लिए निकल गए थे, तब स्वामी ने ही सत्या को फोन करके उनकी लोकेशन बताई थी। यहाँ माइकल गुरुनाथ के घर पहुंचकर उसके सारे लोगों को मार देता है और गुरुनाथ के सामने आकर अपनी असलियत रिवील करता है और बताता है कि उसने सिर्फ इसलिए 2 बार उसे मरने से बचाया था, क्योंकि वो उसे खुद मारना चाहता था। जिसके बाद माइकल गुरुनाथ के साथ साथ चारुलता को भी मार देता है। मूवी के आखिरी सीन में हम देख पाते हैं कि एक गैंग ने स्वामी को किडनैप करके रखा था और उस गैंग का लीडर और कोई नहीं बल्कि गुरुनाथ का जुड़वा भाई, जिसे गुरुनाथ ने चारुलता के कहने पर अपने से दूर भेज दिया था, और वो माइकल से अपने भाई का बदला लेना चाहता था। और इसी सीन के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।